पश्चिम बंगाल में आज 30 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का मतदान, लेकिन उससे ठीक पहले पश्चिमी मदीनापुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हुई हत्या। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा फेज आज से शुरू, 45 वर्ष से ऊपर के लोग भी लगा सकेंगे कोरोना का टीका। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, महाराष्ट्र में लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना ने फिर पकड़ी तेज रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा नए मरीज और 400 से ज्यादा मौतें। नए किसान बिल के विरोध में किसानों का नया ऐलान, मई के फर्स्ट वीक में होगा पार्लियामेंट कूच।